हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल सूजी बॉल्स। वेजिटेबल सूजी बॉल्स बनाने के लिए हमने लिया है ये 1 कप सूजी है, बारीक वाला सूजी हमने लिया है। ये 1/2 कप हमने मिक्स वेज लिया है, जिसमें हमने शिमला मिर्च गाजर लिया है। आप आपके चॉइस के अनुसार जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है वो ले सकते हो। ये 1 हमने मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसे बारीक कट करके लिया है। ये 1/2 कप हमने ग्रीन पीस लिया है, जिसे हमने कोर्सली ग्राइंड करके लिया है। 1/2 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है। 3 हरी मिर्च हमने बारीक कट करके ली है। 1 टीस्पून हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है। थोड़ा सा धनिया पत्ती हमने कट करके लिया है। नमक हमने हम स्वादानुसार लेंगे, जो कि हमने 1 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है और 1.5 कप हमने बटर मिल्क लिया है। तो आइए वेजिटेबल सूजी बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, हमने गैस पे कढ़ाई रख ली है, गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। अभी हम ये सूजी इसमें रोस्ट करेंगे। सूजी को हमें ड्राई ही रोस्ट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी को हमने 2-3 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, अभी हम कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल पे हम पहले ये हरी मिर्च डालेंगे ऑयल में। इसके साथ ये प्याज डालेंगे। हमें सब्जियों को पकाना नहीं है, सिर्फ इनका कच्चापन थोड़ा सा निकालना है। ये गाजर और शिमला मिर्च हम इसमें डालेंगे, साथ में ही ये हरी मटर डालेंगे। और इसमें ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। अभी सब्जियों में हम ये हल्दी पाउडर डालेंगे। ये गरम मसाला है और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। वापिस से 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। इसमें हम ये नमक डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। और अब हम इसमें ये सूजी डालेंगे। 2 मिनट के लिए हम सूजी और वेजिटेबल्स को मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। 2 मिनट के लिए हमने सूजी और सब्जियों को अच्छे से मिक्स करके भून लिया है। अब हम इसमें ये बटर मिल्क डालेंगे। बटर मिल्क हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ सब नहीं डालेंगे। गैस का फ्लेम कम रखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें बटर मिल्क डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मिक्सर का अभी गोला बन रहा है। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। हमें बॉल्स बनाने हैं, इसलिए इसे ठंडा करना ज़रूरी है। आइए फ्रेंड्स, ये हमारा मिक्सर अभी ठंडा हो चुका है। हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और इसके बॉल्स बना लेते हैं। तो बॉल्स हमें मीडियम साइज के बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, ज़्यादा छोटे नहीं ऐसे, क्योंकि इन्हें हमें फ्राई करना है।
ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम सभी बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सभी बॉल्स बना लिए हैं। ये बॉल्स में आप चीज़ वगैरह भी भर सकते हो, पर मैंने प्लेन ही बनाए हैं। तो आइए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा डाल के देखती हूँ कि ऑयल गर्म हो चुका है क्या। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अभी मैं ये थोड़े से बॉल्स इसमें डालती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बॉल को गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। मैं इन्हें निकाल लेती हूँ प्लेट में। इस तरह से मैं बाकी के भी बॉल्स इसमें डाल देती हूँ। आइए फ्रेंड्स, ये हमारे बॉल्स को गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इन्हें निकाल देते हैं। अभी हमारे सभी बॉल्स फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे वेजिटेबल सूजी बॉल्स बनके तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे बने हैं। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।